just gonna feel how cold my hands are. ये बर्फ भी देख सकते हो आप कितनी ज्यादा पड़ी हुई है यहाँ पर, पता भी नहीं लग रहा है बाउंड्री वॉल कहाँ खत्म हो रही है उस पॉइंट पे। तो अभी हम ऊपर जा रहे थे और ये केबल कार बीच में रुक गई और ऐसे ऐसे हिलने लगी थी। ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे सॉल्व करने के, धीरे धीरे ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। आर यू फीलिंग फाइन? इन्होंने कहा टाइट से पकड़ के रखना क्योंकि इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा हिल सकता है अगर कोई जोर से ब्रेक लगा तो। पूरी जिंदगी में मैंने आज तक कभी -7 degrees नहीं देखा है रियलिटी में। इट्स आई डोंट नो व्हाट टू वेयर फॉर दिस। हाउ मेनी थिंग्स विल नीड टू वेयर अप? टी-शर्ट, स्वेटर, जैकेट, मफलर, स्कीइंग ग्लव्स एंड अप ऑन द माउंटेन इट माइट इवन बी -12 degrees। कैन वी ट्राई दैट थिंग विद द बॉइलिंग वाटर? I think it needs to be colder from there. Waiting inside for him to shoot his B-rolls because it's really cold outside. It's too buggy. The phone always hangs at 2.5x. Oh really? Hey, mask. Mask. There's no one in the hotel. Mask. Okay, COVID police. तो इंसब्रुक में हमारा दूसरा दिन और व्यू देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर। पूरे शहर में ऐसे व्यूज दिखते रहते हैं 24 घंटे। ये इसका सिटी सेंटर का एरिया है इंसब्रुक का और यहाँ से भी चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखती हैं। एक तो वो देख रहे हो आप वहाँ पर है और इस बिल्डिंग के पीछे भी दिखती है। Very cold. Very cold. This is Innsbruck's main pedestrian street, the Maria Theresienstraße. The monument in the middle is called St. Anne's Column, which is right next to the entrance of the Rathausgalerien shopping center. Unfortunately, shops are closed at the moment, but this square is quite a sight in itself. It is, because we can see the Nordkettin mountains behind. It's very unique for a city center to have such a view of the mountains right from the center. It's very cold. I really gotta pack myself in. Even though the sun is out, it feels extremely cold. That is a very popular tourist attraction also. So आज पूरा दिन हमने शूटिंग करते हुए गुजारा है DW ट्रैवल के वीडियो के लिए। एक्चुअली जब ये व्लॉग आएगा तब तक DW का वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा। अगर आपने अभी तक इंसब्रुक वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, -3 degrees टेम्परेचर हो रहा है और बहुत ही मुश्किल है शूटिंग करना। और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि ये जो स्नोई पहाड़ियाँ दिख रही हैं इसके टॉप पर जाएंगे। एक नॉर्डकैटे बान है जो यहाँ से जाती है ऊपर और बिल्कुल ऊपर जो एक घर सा दिख रहा है वहाँ पर लेके जाती है। मैं इमेजिन नहीं करना चाहता कितनी ठंडी होगी वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रहना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से सारे रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं यहाँ पर, सब सिर्फ टेक अवे के लिए खुले हैं, तो कहीं अंदर जाकर आराम से बैठकर खा भी नहीं सकते। भूख लगी है तो खाना लेना पड़ेगा और वापस होटल तक जाना पड़ेगा। Okay, enough first world problems. That's the struggles of actually traveling in this weather and these times. I love it. और ये जो आप नदी देख रहे हो पीछे, इस नदी का नाम है इन और इस शहर का नाम है इंसब्रुक, तो यहीं से इस शहर का भी नाम आता है। बड़ा ही ग्रीन कलर का पानी है क्योंकि ये पानी सीधा आल्प्स की पहाड़ियों से आने लग रहा है। Luckily, we'll get a small temporary respite from the cold because the train station is here. The one that takes up to the top of the Nordkettin mountain, and inside the train we can be warm until we go through the top. Good job, camera woman. You're doing a very good job with the time lapse. Thank you. The airplane is going right in the sun. Wow, the whole city of Innsbruck is here. But we are still not at the top. We have to go there.
Last time we went up this mountain and other mountains as high, I had the altitude sickness. True. You got a headache, right? Because you're so high up. I feel dizzy, my heart starts beating fast. Let's hope it doesn't happen again. But I think the cold will only make it worse. Yeah, sure. Yeah, but a zoo bhi hai. लेकिन जो इनकी ट्रेन है वो यहीं तक आती है और ऊपर जाने के लिए हमें केबल कार लेनी पड़ेगी. Every degree Celsius, the body temperature drops. Your body needs around 6% less oxygen. Okay. So the collar should make it better, right? Okay, doctor. As you say. That's the theory. I don't know. Looks like the edge of the world. Actually, rather dangerous to stand here. अब हम ऊपर आ गए हैं. ज़्यादा देर रुक नहीं सकते. रुका नहीं जा रहा है क्योंकि फिल्मिंग करनी मुश्किल हो रही है. पीछे लोग वहाँ पर कुछ स्कीइंग करने लग रहे हैं. जंपिंग की भी जगह बनी है स्की करते वक्त. ऊपर जा रहे थे और ये केबल कार बीच में रुक गई और ऐसे ऐसे हिलने लगी थी. अब बीच में रखी हुई है, चल नहीं रही है आगे. 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं इस केबल कार को उठते हुए. ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे सॉल्व करने के लिए. धीरे धीरे ऊपर नीचे ले जा रहे हैं लेकिन हम यहाँ बीच में ही अटके हुए. आर यू फीलिंग फाइन? Let's take the camera, turn it on already. Let's run outside, film it, and run back inside. Yeah, that's a good plan because it's unbearable, the cold now. Okay, ready? Yeah. Oh, look who's here. Who's here? Oops, he's gone. Top of Innsbruck. Aa gaye hain ab upar. और इन दोनों के अलावा और हम दोनों के अलावा कोई नहीं है यहाँ पर. कोई इतनी ठंड में ऊपर नहीं आना चाहता. What is B plus J? DJ? You want a DJ up here? That's funny. It's crazy. The view from here is crazy. It's full of snowy mountains all around. ये नीचे जो शहर देख रहे हो ये इंसब्रुक का शहर है और वहाँ पर भी ऊपर हाइक करके जाया जा सकता है, चल कर जाया जा सकता है. शैल वी ट्राई गोइंग अप देयर? वो देख रहे हो बैरियर्स इन्होंने लगा रखे हैं. अगर कोई पत्थर वत्थर नीचे गिरे तो ज़्यादा नीचे ना गिरे वो. नो इट्स फॉर स्टोन्स. देन एविलांशेस. दिस मास्क एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट विद द कोल्ड. ये बर्फ भी देख सकते हो आप कितनी ज्यादा पड़ी हुई है यहाँ पर. पता भी नहीं लग रहा है बाउंड्री वॉल कहाँ खत्म हो रही है उस पॉइंट पे. तो कहाँ जाया जा सकता है. मैं कंफ्यूज हो गया. मेरे को एक्चुअली मैं वहाँ नीचे जाना था. यहाँ के देखता हूँ कि ये क्या है भाई. रास्ता कहाँ गायब हो गया जहाँ से आया था. देखो जरा कितनी भारी बर्फ गिरी हुई है यहाँ. स्टेयर्स भी नहीं दिख रही तो मुझे लगता नहीं कोई फायदा है ऊपर जाने का. यूली कुछ इतनी ठंड लग रही थी कि इससे यहाँ भी नहीं रहा गया. वो अंदर चली गई है जहाँ से हम आए थे, जिस केबल कार के स्टेशन से. अब मुझे भी अरे भाई ये देखो, ये एक्चुअली में एक साइन पोस्ट था जो हमें रास्ता दिखाएगा कि कहाँ जाया जा सकता है और आधा साइन पोस्ट खुद ही बर्फ के अंदर दब गया है. अब मैं नीचे जाता हूँ वापस. बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ स्लिप होने लग रहा है. ये 3000 से ज़्यादा मीटर की हाइट है तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुछ लोगों को ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है इस लेवल पर आकर, क्योंकि केबल कार एकदम से इतनी हाइट पर लेके आती है. एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलता और सांस लेने में भी आप देख ही सकते हो कितनी मुश्किल हो रही है मुझे. ये देखो यहाँ से नीचे गए तो पूरा नीचे नीचे जी गिर के वहीं पेड़ों के पास ही मिलोगे. तो बड़ी दिक्कत हो गई है. इन्होंने कहा केबल कार में एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हमें यहाँ पर 40 मिनट तक वेट करना पड़ सकता है. यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं, हमने कोई लंच नहीं किया, कुछ खुला नहीं है यहाँ पर. कुछ खाना हम लेकर नहीं चले अपने साथ और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है. इन्होंने कहा टाइट से पकड़ के रखना क्योंकि इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा हिल सकता है अगर कोई ज़ोर से ब्रेक लगा तो.
like we're going through a snow heaven here. Because we are. The winter wonderland. Yeah, looks so idyllic. Bye. Not really. Bye.